सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज मैं एक आपको इस शेडर का सजेशन देने वाला हूं। जो पीछे लाइंस वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, इसे कैसे फिक्स करा जाए। तो ये बहुत सारी फ़ोन में हो रही है, जैसे बहुत सारी फ़ोन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फ़ोन में तो ये सब ऐसे अच्छा चल जाता है, बट नॉर्मल फ़ोन जैसे प्रोसेसर में तो अच्छा नहीं चलते। तो इसे कैसे फिक्स करा जाए, तो आज मैं यही बताने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर दो एंड चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन में जाके आप लोग ने शेडर जहाँ से डाले वहाँ पे चले जाना है। एंड शेडर्स पे जाता हूँ, देन आप लोग को शेडर ऑप्शन पे जाना होगा। नीचे में रहेगा शेडर ऑप्शन पे जाके शैडो सेटिंग्स पे जाना है। देन आप लोग को शैडो मैपिंग इसको ऑफ कर देना है एंड डन कर देना है। थोड़ा टाइम लेगा ये लोड होने को। देन देखो भाई कैसे चल रहा है। तो इसमें इस शेडर की शैडो सब तो बंद हो जाएगा, बट सब कुछ अपना अच्छा चलेगा। जैसे ग्रास वेविंग वाले रहेंगे, फिर लीव भी वेविंग वाले रहेंगे, अच्छा चलेगा सब कुछ। बट वही है, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग को शैडो बंद कर देना, जैसे आप लोग लाइन प्रॉब्लम चल जाएगा। एंड थोड़ा मोड़ा आप लोग सिनेमेटिक सब इसमें कर सकते हैं, जैसा सरॉयल खेलो, ऐसे शैडो से भी थोड़ा लैग तो होता है, उससे लैग भी ख़त्म हो जाएगा। और अच्छा शेडर से ना ऐसा लाइटिंग भी अच्छा हो जाता है, तो वो भी अच्छा लगेगा। ग्रास भी मूविंग होएगा, फिर लीव्स भी मूविंग होएगा, तो सब अच्छा लगेगा, बस शैडो ही नहीं मिलेगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी कर देना यार। व्यूज़ तो बढ़ेंगे तो मैं वॉच टाइम भी बढ़ेगा। तो हाँ, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो बाय गाइस।